गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्पेशल कुकिंग। आज हम बनाएंगे मसाला मटर पालक रेसिपी। इसके लिए हमको चाहिए पालक, मटर, प्याज, हरी मिर्च, हल्दी, पंचफोरन, धनिया, गरम मसाला और साथ चाहिए हरा लहसुन। अगर आपके पास हरा लहसुन नहीं है तो ये ऑप्शनल है, आप इसके जगह पर सूखा लहसुन का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए हम चलते हैं अपनी रेसिपी बनाने। तेल हमारा गर्म हो चुका है, अब हम डालेंगे इसमें पंचफोरन, इसके बाद डालेंगे हरी मिर्च, साथ ही डालेंगे प्याज। इसको हम 2 मिनट भूनेंगे। देखिए, जब 2 मिनट प्याज भून जाएगा तब हम डालेंगे इसमें टमाटर, हल्दी, धनिया। जब टमाटर हमारा गल जाए तब हम डालेंगे इसमें हरा लहसुन, इसको 1 मिनट तक भून लेंगे। इसके बाद हम डालेंगे इसमें अपनी पालक। हमने अपनी पालक को डाल दिया है, अब हम इसको ढक कर छोड़ देंगे जब तक ये पानी न छोड़ दे। हमारे 2 मिनट हो चुके हैं, देखिए साग ने अपना पानी छोड़ दिया है। जब साग हल्का पानी छोड़ दे तब हम इसमें डालेंगे नमक और डालेंगे मटर और फिर डालेंगे इसमें हम गरम मसाला। इसको हम चला देंगे और इसको हम 10 मिनट तक और पकाएंगे। हमारा 10 मिनट हो चुका है, देखिए हमारा साग बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है। इसको हम पानी सुखाने तक चलाएंगे। देखिए, आप कभी भी अगर पालक की सब्ज़ी बना रहे हो तो पालक को सबसे पहले धो लें फिर काटें। अगर आपको हमारा ये रेसिपी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए, हमारा पालक बिल्कुल सूख चुका है, अब हमारी सब्जी तैयार हो चुकी है। चलिए देखते हैं। देखिए, बिल्कुल सूख चुका है, हमारी सब्ज़ी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। हमारी गर्मा गर्म मसाला मटर पालक रेसिपी तैयार हो चुकी है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।